देखिए ये वीडियो बहुत ही क्रूशियल होने वाली है फॉर ऑल दी पेट होम्स और सारे के सारे लोग जो इस सीजन में डॉग ले रहे हैं अपने लिए। आज मैं तेजस और मेरे साथ लीजा आपको बताने वाले हैं दैट आप अपने डॉग को दिवाली सीजन में कैसे सेफ रख सकते हैं, बट उससे पहले ये एक छोटी सी वीडियो देख लो। अब इस वीडियो में मैं आपको ऐसी पांच चीजें बताने वाला हूं जिससे आपने अपने डॉग को सेफ रखना है दिस दिवाली। सबसे पहले इज गोइंग टू बी फायर क्रैकर्स। आपने अभी अभी वीडियो देखी दैट एक यहां पर एक डॉगी था, वो चलते हुए पटाखे को मुंह में लेके चला गया। अब आप सोचिए दैट अगर ये पटाखा फटने वाला होता तो उस डॉग की क्या हालत होती, वो डॉग का जो जॉ था, जो जबड़ा था, उसकी क्या हालत होती, आप खुद ये समझ सकते हैं। एक पाकिस्तान की वीडियो भी थी जो हमने देखी थी जहां पर एक जर्मन शेफर्ड ने आलू बम, जो सुतली बम होता है, फटने वाला बम होता है, उसको मुंह में डाल दिया था और उस डॉग की डेथ हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन दैट उनका जो जॉ है वो उनके हेड से अलग हो गया था। अब देखिए फायर क्रैकर्स के अराउंड हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो हमेशा दो तरह के डॉग्स होते हैं, एक जो पटाखों से बहुत ज्यादा डरते हैं और हल्की सी धमक से उनके एकदम से पसीने छूट जाते हैं, दूसरे जो कि बहुत ज्यादा डेयरिंग होते हैं, उनके हिसाब से इट इज जस्ट प्ले बिकॉज उनको लगता है दैट जो उनके मालिक है, उनके ओनर है, वो उनको बॉल फेच करवा रहे हैं, उनके साथ बॉल से खेल रहे हैं, बट एक्चुअली में इट्स अ बॉम्ब, दे डोंट नो इट, उनको नहीं पता फायर क्रैकर्स क्या होते हैं। तो प्लीज मेक श्योर दैट अगर तो आपके डॉग फायर क्रैकर से बहुत ज्यादा डरते हैं तो उनको एक रूम में कन्फाइन कर दीजिए। आप अगर आपको पटाखे चलाने ही हैं, पहले तो मैं आपको यही कहूंगा पटाखे मत चलाइए, सेलिब्रेट क्लीन एंड ग्रीन दिवाली, बट अगर चलाने ही हैं, घर में बच्चे हैं, जिद करते हैं, एक्स वाई जेड बहुत कुछ होता है, तो आप जरूर एक चीज करिए अपने डॉग के लिए दैट अपने डॉग को एक कन्फाइंड एरिया में, अच्छे खुले एरिया में, अपने बेडरूम में, अपने ड्रॉइंग रूम में, कहीं पर थोड़ा सा बंद कर दीजिए खाना पीना दे के। होता है कभी कभी डॉग्स खाना नहीं खाते, इट्स टोटली फाइन, योर डॉग वोंट स्टार्व टू डेथ, ये चीज आप पल्ले बांध लो दैट एक बार या एक शाम को अगर आपका डॉग खाना नहीं खा रहा है तो कुछ फर्क नहीं होता, इट इज ओके, उनका मन नहीं करेगा खाना खाने का। आप उनको एक कन्फाइंड एरिया में, एक रूम में बंद कर सकते हैं, थोड़ा टीवी ऑन कर सकते हैं, लाउड म्यूजिक छोड़ सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ मैं एक चीज और ऑफर कर सकता हूं, अगर आप लोग जलंधर में रहते हैं, लुधियाना में रहते हैं, अमृतसर में रहते हैं और आपके जो पपीज हैं या आपके जो डॉग्स हैं वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं तो आप उनको मेरे को दे दो। मैं यहां पर जलंधर में रहता हूं, आप दिवाली के एक रात के लिए या दो रातों के लिए आप उनको मेरे को दे सकते हो, आई कैन टेक केयर ऑफ हिम। मेरी जो फैसिलिटी है इट इज लाइक आउटसाइड द सिटी, यहाँ ज्यादा आसपास पटाखे चलते नहीं है तो ज्यादा शोर शराबा भी यहाँ पे होता नहीं है। आई हैव अ फैसिलिटी, मेरे पास अंदर अच्छी प्रॉपर स्पेस है, क्लीन है सारा कुछ, आप आ सकते हो यहाँ अगर आप चाहते हो तो, आपके पपी का ख्याल मैं रख लूंगा दो रातों के लिए, बट हाँ उनको जबरदस्ती मत उस चीज में फोर्स करो, प्रेशराइज करो दैट आपको यहाँ रहना भी पड़ेगा, हम पटाखे चलाएंगे भी एंड आपको इसे झेलना भी पड़ेगा। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आई कैन अकोमोडेट 5 to 6 डॉग्स अगर मीडियम साइज के हैं, 3 to 4 डॉग्स अगर लार्ज साइज के हैं, एंड एटलीस्ट 7 to 8 डॉग्स अगर स्मॉल साइज के हैं, यानी कि पपीज हैं, अ फ्यू मंथ्स के पपीज हैं, मैं अकोमोडेट कर लूंगा, आप मेरे को बता देना। अब हम चलते हैं दूसरी ऐसी जगह पे जहां पे काफी ज्यादा आपदा होती है एंड ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, दैट इज वायरिंग लाइट्स। अब आप देखिए दिवाली पे आपको हर एक घर सजे हुए दिखाई देंगे, लाइटें लगाई देंगी, पर क्या आपके डॉग को पता है दैट वो लाइट्स के अंदर करंट दौड़ रहा है, क्या आपके डॉग को पता है दैट जो वो लाइटें लग रही हैं घर को डेकोरेट करने के लिए उसको हमें च्यू नहीं करना है, एंड बहुत डॉग्स ऐसा करते हैं, करंट पड़ता है डॉग्स को एंड दे कैन इवन डाई ऑफ दैट करंट। सो एक चीज आपने और ख्याल रखनी दैट जब भी आप कहीं पे लाइटिंग करवा रहे हो, मोस्टली घर के बाहर ही सारे लाइट्स लगवाते हैं, तो अगर आप लोग घर के बाहर लाइट्स लगवा रहे हो तो उसका जो वायरिंग है, जो इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड सारा का सारा पार्ट है, उसको या तो एक हाइट पे रखिए जहां पे आपका डॉग रीच ना कर सके, या फिर जहां पे भी सारी की सारी वायरिंग है उस जगह को एकदम कन्फाइन कर दीजिए ताकि आपका डॉग वहां जा ही ना सके। तीसरी चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि मोस्ट इग्नोर्ड एंड शायद आपको पता भी नहीं होगा, मुझे भी पता नहीं था दो सीजन पहले तक, दैट इससे भी किसी डॉग को हानि हो सकती है, दैट इज दिए। आप लोग दिए जलाते हो, आप सबको पता है मस्टर्ड ऑयल के दिए जलाए जाते हैं, घी के दिए जलाए जाते हैं। अब इसमें हानि क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो जो डॉग्स होते हैं उनको गर्मी का पता होता है दैट कोई कहीं चीज जहां पे आग लगी हुई है, जहां पे लो है, जहां पे फ्लेम है, उससे डॉग्स दूर रहते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 99% ऑफ डॉग्स को पता है दैट हमें आग के पास नहीं जाना है, बट मैं आपको बताने वाला हूं आग के बारे में नहीं, अबाउट दैट ऑयल, उस तेल के बारे में, बिकॉज जो मस्टर्ड ऑयल होता है उससे भी कई डॉग्स बहुत ज्यादा लुभावित हो जाते हैं, उनको वो चाटने का मन करता है, पीने का मन करता है। और मैंने पिछले साल हमारे यहां पे एक लोकल क्लिनिक में एक ऐसा गोल्डन रिट्रीवर को देखा था जिन्होंने कम से कम भी 1.5 लीटर मस्टर्ड ऑयल पी लिया था, उनका पेट पूरा ब्लोट हो गया था और इंटेस्टाइंस डैमेज हो गई थी। सो प्लीज मेक श्योर दैट अगर आप लोगों के घर में आपने दिए जलाए हैं, वो दिए अगर बुझ जाते हैं तो उनको उठा लीजिए बिफोर योर डॉग टेक्स अ लिक ऑफ दैट एंड वो सारा का सारा मस्टर्ड ऑयल पी ले, उनके लिए बहुत ज्यादा
टॉक्सिक हो सकता है, बिकॉज एक ही अमाउंट में हम लोग डॉग को ऑयल देते हैं. वैसे तो डॉग्स को हम लोग ऑयल देते ही नहीं है, बट अगर हम देते हैं तो एक लिमिट में देते हैं, लाइक 1 teaspoon, 2 teaspoon, वो भी सिर्फ कोट के लिए होता है, कोट कंडीशन के लिए होता है, बट ऑन टॉप ऑफ दैट वी डोंट इवन डू दैट. बट एनी वे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आपके डॉग्स ने वो मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा पी लिया तो दिक्कत आ सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा. आप कभी चेक नहीं करोगे दैट मेरे जो दिए हैं इनमें तेल इतना है, अभी तो जल रहा था, अभी बंद हो गया है तो तेल बचा होगा. आपको लगेगा दैट हाँ वो दिया जला, वो तेल खत्म हो गया उसमें. कॉमन है, ऑब्वियसली इट इज़ कॉमन लॉजिक, पर आपको पता नहीं चलेगा. अगले दिन आपका डॉग वॉमिटिंग करना शुरू कर देगा, लूज मोशन आ जाएंगे उसको, एंड यू विल नॉट इवन थिंक कि भाई ये हुआ क्या है, किस वजह से हुआ है, आपको पता नहीं चलेगा. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गैस फॉलो दिस इज. चौथी बात एंड चौथा पॉइंटर जो मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में, वो होने वाला है रंगोलियाँ. बिकॉज आप देखो, आप लोग रंगोली बनाते हो, मैंने देखा है अब ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है इंडिया में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो रंगोलियाँ बनाते हैं वो ऑर्गेनिक कलर से बनाते हैं, एंड डॉग्स वैसे तो वो खाते नहीं है ज़्यादा, डॉग्स तो उसे डिस्ट्रॉय करने में उसको मज़ा आता है. बट अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ सकती है आपको डॉग को, वो है स्किन इन्फेक्शन. बिकॉज अगर वो लोग रंगोली में लिपट जाते हैं और दैट इज़ नॉट अ गुड कलर, ऑर्गेनिक कलर नहीं है, या कुछ ऐसा कलर है जो टॉक्सिक है, या किसी ऐसी चीज से बना है जो कि डॉग्स की स्किन के लिए, इवन हमारी स्किन के लिए एप्रोप्रिएट नहीं है, तो वहां पर दिक्कत आ सकती है. तो अगर आपके डॉग्स पूरा का पूरा रंगोली में अपने आप को कवर कर लेते हैं तो इंस्टेंटली उसको झाड़ दो. अगले दिन में नहलाना, कभी भी डॉग को रात को मत नहलाना, अगले दिन में आप उसको नहला दो पूरा, अच्छी तरीके से कलर रिमूव कर दो. दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस. पांचवा पॉइंट उन पेट होम्स के लिए होने वाला है जिनके जो घर डॉग्स हैं वो चोरी छुपे कुछ भी खा लेते हैं. अब आप देखिए, हमेशा दिवाली में एक चीज जो और कॉन्स्टेंट है, दैट इज मिठाई, मीठा खाना, जो स्वीट्स हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. एंड हमें पता है दैट डॉग्स के लिए मीठा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इट्स एज गुड एज टॉक्सिक फॉर देम. सो एक चीज़ आपने और ख्याल रखनी था, जितनी भी मिठाइयाँ आपके पास आ रही हैं, कोई घर में गेस्ट्स आ रहे हैं उनको आप परोस रहे हो, ट्रे वहीं रख देते हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने डॉग को नहीं देनी है, वो इंस्टेंटली अपने टेबल से, या कहीं पर आप सर्व कर रहे हो अपने बेड से, अपने डाइनिंग टेबल से, कहीं पर भी जहाँ पर आपने ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं अपने गेस्ट्स के लिए, वो तुरंत वहाँ से उठा. Because it is not advisable that dogs ज़्यादा मीठा खा लें, तेल पी लें, या जितनी भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे आज बताई हैं, वो सबसे आपने अपने डॉग को दूर रखना है. एंड येट अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दैट अगर आप लोग जलंधर में कहीं पे रहते हो एंड यू हैव अ पपी दैट इज वेरी 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 स्केयर्ड ऑफ फायर क्रैकर्स, यानी कि अगर आप ट्रैवल करना अफोर्ड कर सकते हो, अपने पपी को यहाँ मेरे पास छोड़ सकते हो, तो आई एम ओके विद दैट. अब मैं आपको अपनी लोकेशन बता दूंगा, मैं व्हाट्सएप का अपना नंबर दे रहा हूँ यहाँ पर, आप मेरे को कॉल कर सकते हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको अपना एड्रेस दूंगा एंड मेरे एड्रेस पे आकर आप अपने पपीज को यहाँ पे छोड़ सकते हैं. और देखो, मैं अपनी किसी भी वीडियो में नहीं बोलता हूँ दैट इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो पे बहुत ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, घंटे वाला बटन दबा दीजिए, ये सारा कुछ मेरे को नहीं बोलना है. मेरे को एक जागरूक ऑडियंस चाहिए जो समझ सके कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और उसको यूज करके किसी की जान बचा पाए या कुछ ज्ञान हासिल कर सके मेरी वीडियो से. पर अब मैं आपको जरूर कहने वाला हूँ दैट प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस शेयर दिस वीडियो. जितनी ज्यादा शेयर करोगे इस वीडियो को, उतनी ज्यादा अवेयरनेस हम लोग फैला सकते हैं. मैं ये वीडियो व्यूज के लिए या मोनेटाइजेशन के लिए ऑन नहीं कर रहा, इनफैक्ट मैं इस वीडियो का मोनेटाइजेशन भी ऑफ करने वाला हूं, मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए इस वीडियो से. बट आई रियली वांट दैट आप लोग जितनी ज्यादा ये वीडियो शेयर करो, उतने ही ज्यादा कानों को ये चीज पता चले, एंड हो सकता है दैट हम लोग सारे मिलकर किसी एक जान को बचा सकें.